सो हाई गाइस, माई नेम इज़ गुरमीत एंड यू वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल सोल बाइकर। दोस्तों स्वागत है बहुत दिनों बाद मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आया था, लेकिन वीडियो अब आते रहेंगे, तो स्वागत है नए वीडियो में। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जैसा कि आपको पता होगा, अगर आपने शॉर्ट्स देखा तो मैंने एक ड्राइव की थी जिसमें वो जो ड्राइव थी 370 किलोमीटर के आसपास की ड्राइव थी, 370 किलोमीटर। तो उसमें मैंने जो है काफ़ी बेहतरीन माइलेज मैंने टाटा टिगोर से अचीव किया था। तो मैं बताने वाला हूँ कि किस तरह से मैंने वो माइलेज अचीव किया, आपको कैसे चलाना है, तो उस तरह से आपकी भी गाड़ी जो है एक बेटर माइलेज दे सकती है। मैं स्पेसिफिकली टियागो और टिगोर के बारे में बताऊंगा कि ओब्वियसली उनमें सेम इंजन है, तो उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। हालांकि ये सारी चीज़ें जो हैं सभी गाड़ी पर अप्लाई होती हैं, तो आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, क्योंकि अगर सभी गाड़ी को इन पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए चलाएंगे तो माइलेज अच्छा ही आने वाला है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उन पॉइंट्स के बारे में जिससे कि आप माइलेज को अच्छा कर सकते हैं। तो किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि माइलेज जो है आपका बहुत बढ़िया है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है भाई लाइट फुट ड्राइविंग। आपको जो है हल्का पंजा रखना पड़ेगा आपके एक्सीलेटर पे, जो है आपको लाइट फुट रखना पड़ेगा। आप ये नहीं एकदम सडन वाला काम नहीं कर सकते, एकदम सडन एक्सीलरेशन, वो काम आपको जो है माइलेज कम कर देगा। आपको एकदम लाइट फुट ड्राइविंग करनी है। तो दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि आपको जो आरपीएम रखना है ना, वो रखना है 1900 से 2500 के बीच के अंदर। 2500 से ऊपर नहीं जाना है, 1900 से नीचे भी नहीं आना है। तो ये जो आरपीएम है एक माइलेज को अचीव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आरपीएम एकदम सही होना चाहिए। इस आरपीएम पर जो है, मैं खासतौर पर बात करूँ टाटा टिगोर के इंजन के, तो बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेता है, एकदम मक्खन चलता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। जब इंजन स्ट्रेस नहीं लेगा ना, तो ऑब्वियसली गाड़ी माइलेज देगी। तो जो तीसरा पॉइंट है अब वो है स्पीड। कि स्पीड, अब जब आप 2000 से 2500 आरपीएम रखोगे, 1900 से 2000, तो आपकी जो स्पीड रहेगी ना वो 90-95 के बीच में रहेगी। आपको 90 के ऊपर नहीं जाना है। मतलब ध्यान रखिएगा, अगर आरपीएम 2500 से ऊपर जाएगा तो स्पीड भी जब ज़्यादा हो जाएगी। इसीलिए मैं यही कह रहा हूँ खासतौर पर आरपीएम और स्पीड जो है मेंटेन करके चलनी है आपको। स्पीड जो है 90 के ऊपर नहीं जानी। अगर 90 के ऊपर जाएगी तो माइलेज जो है आपको 27 नहीं अचीव हो पाएगा। आपको अगर 27 का माइलेज अचीव करना है तो आपको 80-85-90 के बीच के अंदर चलाना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। इससे मेनली यही होता है कि इंजन को स्ट्रेस नहीं होता, आरपीएम जो है फिक्स रहते हैं। अगर हम बात करें चौथे पॉइंट को, तो आपको क्या ध्यान रखना है, चौथे पॉइंट में हम डिस्कस कर लेते हैं, वो है टायर का प्रेशर। मतलब जो हवा है ना टायर में, वो आप किसी भी ट्रिप पे जा रहे हो उससे पहले चारों टायर की हवा जो है चेक करवाइए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी भी टायर में जो है हवा कम है, किसी में ज़्यादा है, मतलब चारों में जो है बराबर हवा होनी चाहिए। तो मैंने इस बात का पूरा ध्यान रखा और चारों टायर्स में जो है मैंने हवा एकदम बराबर भरवाई थी, 35-35 भरवाई थी मैंने। अगर आपकी गाड़ी में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है ना, तो आपको बहुत ज़रूरी है आपकी किसी भी ड्राइव से पहले आप उसको चेक कराना। क्योंकि अगर आपकी टायर में हवा इधर उधर होगी ना, मतलब किसी में कम या किसी में ज़्यादा, तो गाड़ी का माइलेज थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। जबकि अगर आप चारों टायर में सही हवा रखते हो, बराबर रखते हो, तो माइलेज में वो अच्छा ग्रो करेगा, माइलेज अच्छा ही निकलेगा। पांचवें पॉइंट की अगर हम बात करें, तो भैया इको मोड जो है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जब हम क्रूज़ करते हैं हाईवे पे। देखो इको मोड का यूज़ है ना, आप सिटी में मत करो बिल्कुल भी। आपको ऐसा लगता हो ना कि इको मोड सिटी में भी एवरेज निकल के देगा, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। और वो लेगी फील होता है इंजन, मतलब हम जब चाहते हैं एक्सीलरेशन ठीक से तो वो होता भी नहीं है। तो सिटी में कभी भी ट्रैफिक सिचुएशन में कभी भी आप इको मोड का यूज़ मत करो। इको मोड तब यूज़ करो जब आप फिफ्थ गियर में हो, आप क्रूज़ कर रहे हो कि हाँ अब हमें रिलैक्स होकर एकदम ऐसे दोनों हाथों से क्रूज़ ही करना है भाई, हाँ इस स्पीड में चलना है। उस वक्त आप जो है इको मोड का इस्तेमाल करें। और इको मोड में थोड़ी सी आपको ओवरटेकिंग वगैरह में प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसमें भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन जब आपको क्रूज़ करना है ना, क्या है ये स्पीड है इस पे मुझे क्रूज़ करना है, ज़्यादा एक्सीलरेशन में डिफरेंस नहीं लाना है, तो आप इको मोड का यूज़ करो। इको मोड में जो है माइलेज थोड़ा सा बढ़ जाता है। सिटी में इको मोड का कोई सेंस नहीं है, यूज़ करने का कोई मतलब ही नहीं है, तो इको मोड का यूज़ सिटी में नहीं करना चाहिए। बात करें अगर हम अगले पॉइंट के बारे में, तो थोड़ा सा आपको क्या है सोचना पड़ेगा कि जैसे थोड़ा सा आगे जो है कोई ट्रक चल रहा है, तो आपको पहले से सोचना पड़ेगा कि सडन ब्रेकिंग या फिर सडन एक्सीलरेशन वाला काम नहीं हो मेरे साथ, मेरी गाड़ी के साथ, तो ज़्यादा बेटर है। मतलब एकदम से ब्रेक लगाना, एकदम से एक्सीलरेशन करना, थोड़ा सा आपको पहले से सोचना है कि भाई इतने डिस्टेंस पे ये ट्रक है और इधर से कोई गाड़ी भी नहीं आ रही है, तो थोड़ा सा उस चीज़ को मेंटेन करके चलना है कि मुझे सडन ब्रेकिंग या सडन एक्सीलरेशन नहीं करना पड़े। तो क्या होगा, जितना कम आपके ब्रेकिंग, जितना कम सडन एक्सीलरेशन होगा ना, उतना ही बेटर जो है माइलेज होगा।
ऐसा नहीं कि मैं ही 27 का माइलेज निकाल सकता हूँ। इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अगर आप गाड़ी चलाते हो तो आप भी जो है 27 का माइलेज निकाल सकते हो। हालांकि ये जो पूरी ट्रिप थी ना मेरी, ये 370 किलोमीटर की थी, इसमें जो टोटल ट्रिप का माइलेज आया ना वो 24-25 के आसपास के बीच में था। तो ये जो ट्रिप हुई थी मेरी 370 किलोमीटर की, इसमें मुझे 25 के आसपास का जो है MID में शो हो रहा था, और एक जगह में जैसा कि आपने देखा ही है 27 का भी शो हो रहा था। अगर आपने शॉर्ट्स नहीं देखा है तो देख लीजिए, मैंने शॉर्ट्स डाल दिया था। अगर हम 2-3 कम भी मान लें तो 22-23 का माइलेज भी काफ़ी अच्छा होता है। तो मुझे तो काफ़ी सही लगा कि हाँ, इतना माइलेज तो होना ही चाहिए हाईवे पर। तो आप भी ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए माइलेज निकाल सकते हैं, बिल्कुल ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है माइलेज निकालना। माइलेज निकालना आपके आपके हाथ पैरों की बात है, बाकी और कुछ भी नहीं है। हालांकि आप कहोगे कि 27 का हमेशा क्यों नहीं निकला, तो मेरी जो ट्रिप थी उसमें मुझे ट्रैफिक सिग्नल वगैरह पे काफ़ी वेट करना पड़ा, और काफ़ी आधे घंटे तक तो एक जगह मैं AC ऑन करके खड़ा था, बहुत ट्रैफिक था। और एक फाटक थी वहाँ पर भी काफ़ी ट्रैफिक जाम था, और सिटी में भी चली गाड़ी और हाईवे पे भी चली है। तो उस तरह से ये मिक्स माइलेज है, ऐसा नहीं ओनली हाईवे है, इसमें लगभग काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक था एक जगह पे, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। वहाँ से 40-50 मिनट लग गए थे मुझे उस ट्रैफिक से निकलने में। तो वहाँ पर जो है थोड़ा माइलेज 27 से 25 वाला सीन, वो 2 किलोमीटर का पूरा सीन जो है उसमें चला गया मान लो आप। तो अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है ना माइलेज से रिलेटेड, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हाँ, जैसे AC का मैं बताना भूल गया, तो AC जो है ऑन था पूरे ट्रिप में, सिर्फ 70 किलोमीटर जो कि मैंने अर्ली इन द मॉर्निंग चलाया था तब AC ऑन नहीं था, तब जो है काफ़ी बेहतरीन हवा चल रही थी, तो मैंने AC ऑफ करके रखा था। पूरा मैं नेचर को एंजॉय कर रहा था, मस्त हवा चल रही थी, तो उस वक्त मैंने AC नहीं चलाया। बाकी जो 300 किलोमीटर है उस टाइम AC ऑन था, कोई दिक्कत नहीं। कई बार तो फैन स्पीड 7 पे भी थी और कई बार 2 पे भी थी, तो वो तो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। बारिश वारिश हो रही तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है टेम्परेचर की, भाई फैन स्पीड को इतनी ज़्यादा करके रखें। तो जो है ऑटो AC पे था, कभी कभी मैंने 1-2 पे कर रखा था, कभी मैंने 7 पे कर रखा था। तो ये सब चीज़ें जो हैं, टेम्परेचर बाहर का कैसा है, गर्मी कैसी पड़ रही है, उस पर डिपेंड करता है। फिर भी और कोई क्वेश्चन रह गया हो आपके मन में, कोई सवाल हो कि माइलेज से रिलेटेड क्या कुछ क्वेश्चन हो सकता है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो इन सब बातों को ध्यान रखते हुए आप जो है बेहतर माइलेज निकाल सकते हैं आपकी गाड़ी। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ, आपको क्या चीज़ अच्छी लगी वीडियो में जरूर बताइएगा। और हाँ, हमारी ऑडियो क्वालिटी किस तरह से ग्रो कर रही है वो भी आप मुझे बताइएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलेंगे फिर से किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राइड सेफ, राइड हार्ड, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।